दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार बन गई, लेकिन सरकार बनने के साथ साथ उनके लिए यहां पर तमाम तरह की परेशानियां खड़ी हो गई। लेकिन साहब है कि मानते नहीं। साहब ने यह तय कर लिया है कि वो अपनी पुरानी आदतों को नहीं छोड़ेंगे, उसे नहीं भूलेंगे। पुरानी आदतों से तात्पर्य कई सारी बातों के साथ है। अगर आप इन पुरानी आदतों को सोचे समझे तो आपको समझ में आएगी ये बात कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपनी पुरानी आदत, मतलब गुजरात के समय से जब वो मुख्यमंत्री थे तब से अगर उनका इतिहास आप उठा लें तो आपको दिखाई देगा कैसे उन्होंने संघ में भैया जी जोशी, प्रवीण तोगड़िया जैसे नेताओं को साइड कर दिया। वजह थी फैसले पर एकमात्र खुद का पूरी तरह से कंट्रोल होना। वहीं पर उन्होंने राज्य में ऐसा सिस्टम बनाया मुख्यमंत्री रहते हुए कि उनके अलावा उस पूरे राज्य में कोई कुछ नहीं कर सकता था। सबकी जासूसी होना, किसी के पास वो पावर नहीं देना, शक्ति नहीं देना कि कोई फैसले ले सके, गुजरात के फैसले लेना, उसके ऊपर उसका क्रेडिट लेना, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ था और वो था नरेंद्र मोदी। गुजरात से वो दिल्ली पहुंचे 2014 में। दिल्ली आकर उन्होंने इसी आदत के साथ अपने काम की शुरुआत की। आते के साथ उन्होंने सबसे पहले उन लोगों के साथ काम किया जो कि उनको आगे लाने की कोशिश कर रहे थे। पहले उनका सहारा लिया और बहुत लोगों को फिर एक तरफ झटक दिया, पटक दिया, बहुत कुछ किया। अब यहां पर नरेंद्र मोदी 2014 के बाद यानी 2016 तक अगर आप देखते हैं तो बहुत सारी चीजों पर धीरे धीरे केंद्र में आने के बाद कंट्रोल बनाने लगे। अब कंट्रोल जब वो बना रहे थे, सबसे पहले वो कंट्रोल उन्होंने बनाया अधिकारियों पर। एक मैसेज ऐसे फ्लोट किया गया कि जितने अधिकारी हैं सबके सब नरेंद्र मोदी के डिसिप्लिन से डरने लगे हैं, सब समय पर दफ्तर आने लगे हैं और अब अधिकारियों की ये सरकारी नौकरी वाली तरीका जो है वो अब खत्म हो गया, वो ट्रेंड फिनिश है। अब रात रात तक अधिकारी रुकने लगे, काम करने लगे। लोगों को लगा सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है, अगर ये सिस्टम अच्छा चलता तो इसके रिजल्ट भी अच्छे आते। रिजल्ट चुनाव में जब जब उन्होंने बताए वो खुद घिर गए और वो घिरे ऐसे कि लोगों ने ये बता दिया कि आपने जो कहा वो खोखला है और आज तो पिछले 10 साल का विकास खुलकर बोल रहा है। आए दिन सोशल मीडिया पर उनकी, मतलब जिस तरह से कहा जाए, कुछ शब्दों का इस्तेमाल जो है इसके लिए बनता है कि मतलब पोल खुल रही है लगातार, सड़क हाथ से उखाड़ दी जाती है, जगह जगह पर किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं दिखाई दे रहा है। कैसे नरेंद्र मोदी के पर्यावरण मंत्रालय से लेकर हर मंत्रालय में, एजुकेशन मंत्रालय की आप बात कर लीजिए, शिक्षा मंत्रालय, 70 बार लीक हुआ है पिछले 10 साल में पेपर, ये राहुल गांधी कहते हैं। मंत्रालयों ने जो चूक की है वो दिखाई दे रही है। रेल मंत्रालय की बात कर लीजिए, अश्वनी वैष्णव अपनी पीठ थपथपाते हैं, बहुत कहते कि अच्छे अधिकारी रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, तो वो उस पर अपनी पीठ थपथपाते हुए काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच ये है कि अश्वनी वैष्णव के भी लगातार रेल मंत्री रहते हुए तमाम तरह के हादसे हो रहे हैं। पहले हादसे होने पर इस्तीफा मांग लिया जाता था, अब तो इम्यून सिस्टम में सेट हो चुका है ये सब कुछ। वहीं पर अगर आप बात कर लीजिए कानून मंत्रालय की, तो कानून मंत्रालय का काम सिर्फ और सिर्फ लॉबी को फिक्स करना रह गया और लॉबी फिक्स करने का काम भी कानून मंत्रालय के मंत्री के पास नहीं रहा, इसका काम भी अमित शाह के खास खास ऐसे नेताओं के पास रहा जो कि अपने मंत्रालय का काम छोड़कर अमित शाह का ये काम कर रहे थे कि कानून मंत्रालय में कौन कौन सी फाइल कैसे आगे बढ़ानी है, नहीं बढ़ानी है, क्या सेटिंग करनी है, बहुत कुछ। इस दौरान लगातार सीधे सीधे जुडिशरी पर सवाल उठने लगे, ऐसी आवाज उठकर सामने आ गई जिसमें ये तक बता दिया गया कई वकीलों द्वारा कि कैसे वकील जजों के साथ में सेटिंग बना रहे हैं, नेता उनके साथ दिन में बैठते हैं, रात को जाम साथ में शेयर करते हैं और फिर उसके बाद फैसले बदल जाते हैं। बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ इस बीच। अब बड़ा सवाल ये है कि ये तमाम मंत्रालय हैं पिछले 10 साल में सिर्फ नरेंद्र मोदी ने चलाए। सब जानते हैं कि कैसे पीएमओ ने हर फैसला इस देश से जुड़ा हर मंत्रालय का खुद लिया।
जहां पर भी अच्छे खासी कीमत की बात थी, मंत्रालय के फैसले की बात थी, उसके टेंडर की बात थी, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा हर वो अधिकारी मंत्रालयों में सेट कर दिया गया जो सीधे पीएमओ को रिपोर्ट करता रहा। और जो मंत्री हैं उनकी टीस बड़ी इसलिए है क्योंकि इन मंत्रियों की तो कोई औकात ही नहीं रखी गई, क्योंकि उनके पास जो भी काम था वो छूटा ही नहीं, उनके पास वो तो पीएमओ के पास चला गया। देखने को मंत्री के सिग्नेचर हैं लेकिन काम करने को पीएमओ के फैसले। जो भी फाइलें आती थी उस पर एक शब्द नहीं बोल सकते मंत्री, और ऐसे फाइलों पर साइन होकर चले जाते थे। अगर मंत्री फाइल खोलकर देख भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह की तस्वीर के साथ लुटियंस में बैठ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश के ना जाने कितने फैसले लिए, ना जाने इस देश की आर्थिक व्यवस्था के हजारों करोड़ के फैसले लिए। मैं ये नहीं कहती कि सारे फैसले गलत रहे होंगे, लेकिन रिजल्ट उस तरह से नहीं आए जितने बड़े कैनवास पर होने चाहिए थे। बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठता है। इसके साथ सबसे बड़ी बात यह है, आज की तारीख में भी जो तीसरी बार पहले की तरह जो कहा वो पार, ऐसा नहीं हुआ। 400 पार के नाम पर मुंह की खानी पड़ी नरेंद्र मोदी को, और ये बात उनके ऊपर उल्टी पड़ गई। अब हुआ ये कि यहां पर देखा जाए तो उन्हें इस हार, इस ये जीती हुई हार कहा जाएगा, इसकी उल्टी जो की वो योगी आदित्यनाथ पर कर दी। लेकिन अभी भी वो कहीं से भी अपने रवैये में बदलाव नहीं ला रहे हैं। उनके रवैये की परिस्थिति ये है कि नरेंद्र मोदी जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपने पीएमओ से ही सीमित हो ऐसा नहीं है। अभी भी पिछले 10 साल की तरह साहिब जो हैं वो सारे मंत्रालयों पर पूरा कंट्रोल रख रहे हैं, ऐसे टाइट करके सारी चीजें चल रही हैं। इसीलिए उन्होंने अपने सबसे ज्यादा मंत्री ऐसे के तैसे रख दिए, उनमें बदलाव नहीं किया, क्योंकि पहले ही चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के साथ जो समझौता है उसके चलते कुछ लोगों को उन्हें ना चाहते हुए गले से उतारना पड़ेगा। लेकिन अपने जो लोग हैं वो पहले से ही उस सांचे में ढल चुके हैं, जिसमें उनको ये पता है कि जो कुछ भी फैसला है वो ऊपर वाला लेगा, ऊपर वाले के पास ही फाइल जाएगी, वही बताएगी क्या होगा। लेकिन यहां पर इस बार कुछ ऐसे हैं, जैसे शिवराज सिंह चौहान की बात कर लीजिए, जैसे नितिन गडकरी की बात कर लीजिए, राजनाथ सिंह भी थोड़ा थोड़ा करके पुपुदा रहे हैं, बोल रहे हैं, चीजें बता रहे हैं कि अब वो भी थोड़ा बगावत के रूप में आ सकते हैं, लेकिन खुलकर कुछ नहीं कह रहे हैं। खुलकर बोलने वालों में शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी हैं। लेकिन बड़ी बात यह, अगर इन मंत्रालयों को छोड़ दिया जाए, तमाम मंत्रालयों की फाइल अभी भी पीएमओ से जा रही है, अभी भी फैसले वही हो रहे हैं, क्योंकि आज अगर वो फाइल कोई रोकता है मंत्री तो उसकी कुर्सी छीन लेंगे मोदी जी ऐसे, क्योंकि इसी तर्ज पर उन्होंने उन लोगों को मंत्री बनने का मौका दिया जो कि शायद इसे जैकपॉट समझते हैं नरेंद्र मोदी द्वारा दिया हुआ। अगर ये नहीं होता तो वो कहां होते, इसके चलते वो जो कहते हैं वो मान लेते हैं। यानी कि नरेंद्र मोदी अभी भी उनके लिए भगवान बने हुए हैं, और इसके चलते वो देश के अहम मंत्रालयों के तमाम फैसले आज भी आंखों पर पट्टी लगाकर फाइल भेज देते हैं पीएमओ के पास। बड़ा सवाल ये है कि इन चीजों के प्रूफ और चीजें आप कहिएगा तो देखिए, पिछले 10 साल में जितनी भी चीजें हुई आप सबको पता है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति करता रहा है, और अभी भी वही व्यक्ति कर रहा है, और उन्होंने अपने अच्छे समीकरण बनाने की कोशिश की है अपने सहयोगी दलों के साथ और आरएसएस के साथ। सबको अपने अपना झुंझुना पकड़ा दिया गया, झुंझुना नहीं कहूंगी बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि उनको कुछ कितने करोड़ वाले कौन से मंत्रालय हैं उसका लालच उनको फिक्स कर दिया गया है, और अपने लिए जो रखना था बड़े लेवल पर, क्योंकि की सीटें भले ही कम आई हों लेकिन इतनी कम नहीं है, अभी भी लार्जेस्ट पार्टी है ये देश की बीजेपी, तो उसकी तर्ज पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मंत्रालय अपने पास रखे, उनके फैसले आज भी खुद ले रहे हैं। इन तमाम मंत्रालयों की अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो हजारों करोड़ के मंत्रालय आज भी पीएम मोदी द्वारा ही चलाए जा रहे हैं। उनके जो मंत्री हैं आज भी वो उतने आजाद नहीं हैं जितने की होने चाहिए थे। सवाल ये उठता है कि देश के इन तमाम मंत्रालयों में एक व्यक्ति की कैसे चल रही है, जब देश का कॉन्स्टिट्यूशन प्रधानमंत्री के साथ पूरी टीम बनाता है और ये टीम काम करती है और हर मंत्री को वो शक्ति दी गई है, लेकिन अनऑफिशियली उन शक्तियों को निष्क्रिय कर दिया गया है, और ऐसी परिस्थिति में नरेंद्र मोदी
कैसे देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन से परे हटकर काम कर रहे हैं। ये एक डिक्टेटरशिप की निशानी है जिसके सवाल खड़े किए विपक्ष ने, और वो निराधार नहीं है क्योंकि जो सच है वो दिख रहा है, और जो दिख रहा है उस पर लोग बोल रहे हैं, उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी अगर जल्द ही अपनी इस प्रक्रिया को नहीं बदलेंगे तो बहुत कुछ बदलाव अब आने वाले वक्त में आप देखिएगा बीजेपी में होने वाला है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।